बालाघाट शहर में हॉकी खिलाड़ियों के लिए बन रहे टर्फ मैदान के लिए पहुंची लाखों की टर्फ में आग लगने की घटना पर आज विधायक अनुभा मुजारे ने स्पोर्ट्स मैदान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फिर से इस टर्फ मैदान के निर्माण में हो रही देरी के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 3 बार एक्सटेंशन लेने के बावजूद ठेकेदार ने अभी तक कॉम्प्लेक्स का पूरी तरह से कार्य नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर जिस कंपनी से टर्फ लगाने के लिए करोड़ों का अनुबंध हुआ है, उस कंपनी के ठेकेदार भी निरंतर लापरवाही बरत रहे हैं। लाखों रुपए की टर्फ को खुले आसमान में रखा गया था, इसी वजह से इस तरह की घटना सामने आई है। अनुभा मुजारे ने कहा है कि इतने दिनों से टर्फ रखी हुई थी तो आज तक आग नहीं लगी, लेकिन मुझे इस घटना में अब साजिश की भी बू आ रही है। कार्य में देरी करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, इसीलिए इस पूरे मामले की अब उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस ग्राउंड के निर्माण के जो ठेकेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल जी हैं, और वो कम से कम इस निर्माण के लिए 3 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं, जब निश्चित समय अवधि कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन वो समय 6-6 महीने का बढ़ाते बढ़ाते आज 3 साल के लगभग हो गया, ग्राउंड नहीं बन पाया है। और यहाँ जो एस्ट्रोटर्फ के जो ये मैट्स आए हुए हैं, ये भी महीनों से खुले आकाश के नीचे पूरी लापरवाही से पड़े हुए हैं। इनकी कोई सुचारू ना रखने की व्यवस्था है, ना सुरक्षा की व्यवस्था है, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर मैं तो कहूँगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 60 लाख की लागत के ये जो एस्ट्रोटर्फ के जो मैट हैं ये रखे हुए हैं, और ये इतनी बड़ी कीमत के ये जो हमारी संपत्ति है ये जल के राख हो गई है, बर्बाद हो गई है, अभी तो किसी यूज़ के रहे ही नहीं, ग्राउंड में तो लग नहीं सकते। तो मुझे तो ऐसा एक देखने के बाद ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि जब इतने दिन से ये रखे हुए थे तो कोई आग नहीं लगी, कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई, और अब संबंधित खेल अधिकारी से मैं बात कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद किसी ने स्मोकिंग किया होगा और यहाँ पर डाल दिया होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे, मैं साफ कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और काम को और लेट करने के लिए एक साजिश की गई है, और जानबूझ के इसको जलाया गया है, क्योंकि जिससे और काम आराम से हो, लेट हो, अब तो बहाना मिल गया हमको इनको कि अब तो है ही नहीं, अब तो हम एस्ट्रोटर्फ बनाएं कैसे, जब संबंधित सामग्री जल के राख हो गई, जब अगली सामग्री आएगी तब बनाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, मैं जांच की मांग करती हूँ। बैहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत रेलवाही के बनाफर टोला में चल रही कबड्डी प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने विजेता छत्तीसगढ़ और उपविजेता रेलवाही की टीमों को पुरस्कृत कर बधाई प्रेषित की। संजय उइके ने कहा कि खेल का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र, सभी खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने परिवार, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं बनने के बावजूद बैहर क्षेत्र की जनता ने मुझे लगातार 3री बार आशीर्वाद दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 5 वर्षों में हम विधायक निधि के माध्यम से पिछड़े हुए गांव के विकास को अग्रसर करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर इन गांव में विकास कार्यों के लिए सरकार से भी बजट के लिए न्याय संगत मांग करेंगे। छत्तीसगढ़ की टीम जो लगातार 4 बार से और आज शायद 5वीं बार है इस रेलवाही के इस मैदान पर प्रथम स्थान प्राप्त करके इस टूर्नामेंट का विजेता बने, और द्वितीय स्थान रेलवाही ने प्राप्त किया, उन दोनों टीमों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया, उन दोनों टीमों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं कि अपने खेल का और अच्छे से प्रदर्शन करते हुए, अपने खेल को निखारते हुए, खेल के क्षेत्र हो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और गांव का नाम रोशन करें। मैं रेलवाही यहां हमारी मौजूद समस्त जनता जनार्दन को, जिन्होंने मुझे विधानसभा चुनाव में लगातार 3री बार अपना मतदान देकर
अपना विश्वास देकर मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनाया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रामपायली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरमाली नेवर गांव में शुक्रवार की सुबह अज्ञात पिकअप वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने घटना स्थल पहुंचकर चक्का जाम प्रदर्शन किया। इस बात की सूचना मिलने पर रामपायली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया। वहीं दूसरी ओर घटना के बारे में पता चलते ही क्षेत्र के विधायक विक्की पटेल भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही शासन की योजना से पीड़ित परिवार को लाभान्वित करने के लिए भी आश्वस्त किया। बताया गया कि मृतक धुमेंद्र उइके ग्राम डोके का निवासी है, जिसकी सगाई 21 जनवरी को रमरमा निवासी मड़ावी परिवार की बिटिया से होने वाली थी। इसी को लेकर युवक निमंत्रण कार्ड देने के लिए ग्राम भेंडारा गया था, जहां वापसी के दौरान उसके साथ यह हादसा हुआ, जिससे पूरा परिवार शोकमग्न हो गया है। क्योंकि हमारे सरपंच डोके सरपंच का भाजा था, उसकी सगाई तय हो चुकी थी, बहुत जल्दी उसकी शादी होने वाली थी। अचानक दुर्घटना ग्रसित हुई, किसी गाड़ी से टकराया और उसकी वहीं स्पॉट पर ही मौत हो गई। वहाँ लोगों में बहुत आक्रोश था, भीड़ जमा थी। मुझे जानकारी लगी, मैं तुरंत भोपाल से आया था, जैसे मैं भोपाल से आया मुझे पता चला, मैं तुरंत पहुँचा। तो वहाँ लोगों में एक बात का आक्रोश था कि अंधा मोड़ है, टर्निंग है या दिखता नहीं। मैंने तुरंत पीडब्ल्यूडी की को फोन लगाया कि यहाँ से पहले झाड़ियाँ साफ की जाए। तो सुनूंगा था कि भैया जिसने एक्सीडेंट किया है, जो ठोस मांगे बखा है, वो ट्रेस हो जाए। तो रामबर्टी ने बताया कि जिसने एक्सीडेंट किया वो ट्रेस हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि जो रोड है बहुत सफी रोड है, बहुत यातायात बढ़ गया है, साखी का पुलिया बन चुका है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि 7 मीटर की रोड बनाई जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र का आवागमन सुव्यवस्थित हो, प्रभावित ना हो, लोगों को दिक्कत ना जाए। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस बजट में प्रस्ताव पास। हट्टा क्षेत्र के ग्राम खोड़सिवनी में आज एक बंदर की बिजली करंट लगने से मौत हो गई, जिस पर ग्रामीण युवाओं ने मृत बंदर की अंत्येष्टि के लिए गांव में शवयात्रा निकाली और रीति रिवाज के साथ गांव के बाहर ले जाकर बंदर को दफन कर दिया। ग्रामीण पत्रकार संघ के बैनर तले 13 जनवरी को परसवाड़ा क्षेत्र के वनग्राम डेढ़वा और ग्राम पटेल टोला पहुंचकर पत्रकार साथियों ने आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक शाला में अध्यापन कर रहे बच्चों को नोटबुक और गर्म कपड़ों का वितरण किया। इस मौके पर ग्रामीण पत्रकार संघ के अध्यक्ष दीपक वंशपाल, सचिव विजय ठाकरे, प्रीतम मरशकोले, सुनेश शाह और अन्य लोग भी मौजूद रहे।